कि कई सारे यहां पे जो मकान भवन और मंदिर जिसमें दरारें आ गई थी उसको देखते हुए जो क्षतिग्रस्त इमारतें हैं उनका ध्वस्तीकरण यहां पर आज किया जाना है और इसके लिए सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है ताकि कोई भी क्षतिग्रस्त मकान या इमारत आने वाले समय में किसी दूसरी इमारत या मकान पर जाकर ना गिरे। वहीं जोशीमठ में घरों में खतरनाक दरारें आने के बाद सैकड़ों परिवार वहां से हटा दिए गए हैं। 600 परिवारों को उनके घरों से हटाया गया है। करीब 4,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और इसके लिए तमाम टीमें भी वहां पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है। इन परिवारों को आर्थिक मदद और तमाम बातें यहां पर हुई हैं। रवीश पर पहले चलते हैं। रवीश हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, यहां पर जोशीमठ में जो ध्वस्तीकरण सुरक्षित तरीके से उन जर्जर हो चुकी इमारतों को जिनमें दरारें आई थी गिराने का काम कब से शुरू हो रहा है, किस तरह के इंतजाम यहां पर किए गए? आज देखिए जया, जोशीमठ से जो अभी ताजा खबर आई है वो यही आई है कि जो दो होटल हैं वहां पर, बड़े बड़े जो दो होटल हैं जोशीमठ के, उनको पहले गिराया जाएगा और उनको गिराने की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हो चुकी है। जो जिस सड़क पर ये बने हुए हैं उस सड़क का एक तरफ का जो यातायात है उसको बंद कर दिया गया है। जितनी आसपास की गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उनको हटाया जा चुका है और इस पूरे क्षेत्र को जो है वो खाली करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो IIT रुड़की की टीम है वो भी जोशीमठ में पहुंच चुकी है और इनकी देखरेख में जो है ये होटल पहले गिराया जाएगा, क्योंकि ये होटल काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और अगर ये अपने आप गिरती है तो आसपास के मोहल्लों को काफ़ी क्षतिग्रस्त ये करेगी। तो इसके चलते जो है वो जो विशेषज्ञों की टीम है उनका ये कहना है कि इसको चरणबद्ध तरीके से गिराया जाएगा, यानी सबसे पहली जो मंजिल है ऊपर की उसको पहले गिराया जाएगा, फिर दूसरी मंजिल को गिराया जाएगा। तो इस तरीके से इस होटल को पूरे तरीके से गिराया जाएगा और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हो चुकी है। आसपास का जो इलाका है उसको खाली करवाया जा चुका है और 678 मकान है जिनको कि डेंजर जोन में घोषित किया गया है उन मकानों को भी जो है वो खाली करवा लिया गया है। तो सबसे पहले ये दो होटल गिराए जाएंगे जया, उसके बाद इन मकानों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। जी रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम वहां से अपडेट देने के लिए कि किस तरह से वहां पर ध्वस्तीकरण के लिए खासतौर से दो होटल आपने बताया उनको भी गिराया जाना है। प्रोफेसर राजीव सिन्हा, पृथ्वी विज्ञान विभाग जो IIT कानपुर है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर सिन्हा, आपसे ये समझना चाह रहे हैं, आपने बताया कि इन इलाकों में खासतौर से बफर जोन को ध्यान में रखा जाना चाहिए, पानी की जो निकासी है उसको जबरन रोक दिया जाता है तो इस तरह से यहां पानी का रिसाव होता है जिससे घरों में दरारें आती हैं, और तीसरा आपने कारण बताया कि जो लैंडस्लाइड वाला एरिया है उसकी डेबरी पे ये तमाम शहर बसे हैं। चाहे हम जोशीमठ की बात करें चाहे कर्णप्रयाग की बात करें, अब जब सरकार जागी है लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, आगे क्या, कैसे अब इनका इस शहर को दोबारा से बसाना, क्या उतना ही सुरक्षित माना जाएगा और क्या अल्टरनेट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सरकार ने बहुत टाइमली एक्शन लिया है इस वक्त और ऑलरेडी वेकेट करा रहे हैं लोगों को, जोनिंग का काम शुरू हो गया है, बफर जोन आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये सारे सही स्टेप्स हैं। लेकिन अब जहां तक रिहैबिलिटेशन की बात है उसको हमें थोड़ा केयरफुली प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जोनिंग का काम पूरा नहीं हो जाता और हर एक जोन के अंदर हमें क्या हमारी डिजायर्ड लैंड यूज होनी चाहिए ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक पॉलिसी लेवल डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि हर एक जो तीन तरह के जोन की हम बात कर रहे हैं, सेफ जोन और थोड़े से अनस्टेबल जोन और काफी ज्यादा अनस्टेबल जोन में क्या क्या हमारी डिजायरेबल लैंड यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े से जो अनस्टेबल जोन होते हैं उसमें, या इवन थोड़े अनस्टेबल जोन होते हैं उसमें हम पब्लिक यूटिलिटी प्लान कर सकते हैं, पार्क बन सकते हैं, छोटी मोटी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज बन सकती है। लेकिन जहां तक हैबिटेशन का सवाल है, जहां तक घरों का सवाल है, वो उनको हमें स्टेबल जोन में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फिर जान माल का खतरा होने का उसकी संभावना रहती है। तो ये हमें बहुत एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जरूरत है। दूसरी बात, हमें ये भी समझना चाहिए कि इस एरिया में जो जिस तरह के हैजार्ड्स आते हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक और फ्लड्स, ये तीन मेजर हैजार्ड्स हैं इस पर्टिकुलर जोन में, और ये तीनों जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, इनको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना है। तो अब जैसे लैंडस्लाइड जब होती है, कोई बड़ी लैंडस्लाइड जब होती है तो वो नदी में एक लैंडस्लाइड डैम बना देती है, जो अभी पिछले साल हुआ था धौली गंगा में, आपको याद होगा, और उस डैमिंग की वजह से बैक फ्लो होता है, उसकी वजह से फ्लड होती है। साइज्मिक एक्टिविटी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड आते हैं। तो ये सारे की सारे चीजें जो है वो कनेक्टेड है और हमें
एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जरूरत है, एक इंटीग्रेटेड हैजर्ड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें इस देश में लाना पड़ेगा ताकि हम इन हैजर्ड्स को, इन विपदाओं को हम आइसोलेशन में ना देखें। बिल्कुल, आपने विपदाओं का विपदाओं का जिक्र किया। उत्तराखंड ये वो राज्य है जिसने केदारनाथ त्रासदी को भी देखा है। आपसे हम ये भी समझना चाह रहे हैं, आपने ये बताया कि किन किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए, किस तरह से पूरी प्लानिंग सरकारी स्तर पर भी होनी चाहिए इन जोन्स में जो कि सिस्मिक जोन्स में आता है। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं क्या कुछ है जो इन पहाड़ी राज्यों की खास तौर से अगर बात की जाए उनके विकास में नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये नहीं, सबसे पहले तो यू नो अनप्लान हैबिटेशन तो सबसे डेंजरस है इस एरिया में, और बिना पर्टिकुलर जोनिंग के, बिना हजार जोनिंग के कोई भी डेवलपमेंट प्लान जो है इस एरिया में पास ही नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हैं आज की तारीख में, मैं अभी आपको आपकी न्यूज फॉलो कर रहा था, अब आज की तारीख में 2-3 मंजिला होटल्स वहां पे बने हुए हैं, जो वैली के बिल्कुल एज पे जो अनस्टेबल एरियाज होते हैं वहां पे घर बने हुए हैं। तो इन सभी कार्यक्रम में, इन सभी जो डेवलपमेंट प्लान्स और स्कीम्स में एक एक जोनिंग और एक अप्रूवल की जरूरत है, एक फॉर्मल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसमें हम एक पर्टिकुलर जोन में किसी एक पर्टिकुलर लैंड यूज और लैंड यूज को ही अलाउ करें। तो ये एक बहुत हाई लेवल पॉलिसी डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। सिर्फ बफर जोन बना देने से और सिर्फ जोन को आइडेंटिफाई कर देने से काम नहीं चलेगा, हमें एक स्टेप और जाना पड़ेगा और पॉलिसी लेवल रेगुलेशन लाने पड़ेंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। फॉर्चुनेटली आज की तारीख में इस घटना में अभी तक कोई मेजर जान माल की नुकसान नहीं हुई है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए, क्योंकि हमने टाइमली एक्शन ले लिया है। लेकिन अभी इसको हमें आगे, वी हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड मेक श्योर कि ऐसी घटना हो ही ना दोबारा। बिल्कुल, ऐसे ही घटना हो ही ना, जिस तरह के लोगों को यहाँ दिक्कतें इस वक्त पेश आ रही हैं लगातार, हालांकि कई सालों से वो इस दिक्कतों का सामना कर रहे थे और ये दिक्कत अब और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका ध्यान अब सरकार का इस तरफ आया है। वहां जो परिवार रह रहे थे जोशीमठ में, वहां से उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राजीव सिन्हा हमसे बात करने के लिए और वो तमाम अहम जानकारियां देने के लिए, और उम्मीद करते हैं सरकार विशेषज्ञों की पूरी टीम के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगी पहाड़ी राज्यों में, जिस तरह से विकास होना चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए। तो जोशीमठ में जो राहत कैंप में लोगों को ले जाया गया है, वहां का हालात का जायजा लेने के लिए जब डीएम और एसडीएम वहां पहुंचे तब क्या हुआ, कहीं ना कहीं लोगों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा, आइए देखते हैं। सबसे बुरी कंडीशन थी मनोहर बाग के, आपके पास आए और आपने क्या जवाब दिया? उत्तरा पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही हैं। नहीं, आप कितने से बयान आए हैं मैडम, हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा, अपेक्षा नहीं है कि आप इस तरह की, आप एक महिला, एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई आप तो। अच्छा, ये सुनने दीजिए, आपको कल मैं पीपल कोटी में हमारे लिस्टेड है, हम नहीं, हम आपको पीपल, आपको कल करा देते हैं, कल शिफ्ट करा देंगे आपको, अभी अभी लेके जाइए आप।